फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका त्यागी है और आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ तीन टाइप की क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि फलाहारी स्नैक्स हैं, क्योंकि सभी उपवास करते हैं नवरात्रि में। और अगर आपका कुछ भी क्रिस्पी क्रंची सा खाने का मन करता है तो आप मेरे ये तीनों तरीके के सभी स्नैक्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की रेसिपीज पसंद आती हैं तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करिए, और मेरी आने वाली सभी रेसिपीज को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल के लिंक को भी प्रेस करें, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियोज की इन्फॉर्मेशन आपको आती रहेंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये तीन टाइप के फलाहारी स्नैक्स। सबसे पहले आप अपनी सामग्रियां नोट कर लीजिए कि आपको इसे बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो शुरू करेंगे हम ये कुट्टू की कचौड़ियों से। कुट्टू की पनीर भरी कचौड़ियों की रेसिपी शुरू करेंगे सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज के आलू लिए हैं, जिसे कि मैंने ग्रेट कर लिया है, यानी कद्दूकस कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैश करते हैं तो बिल्कुल पतला मैश कीजिए इसको। और 200 ग्राम मैंने यहाँ पर कुट्टू का आटा लिया है, ये फलाहारी आटा होता है, आप इसे उपवास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने, जिसको कि मैंने ग्रेट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये होममेड पनीर है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक मीडियम साइज का टमाटर, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और थोड़ी सी धनिया पत्ती बिल्कुल बारीक कटी हुई। दो हरी मिर्च, जिसको कि मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार, अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और एक इंच अदरक का टुकड़ा, इसका मैं यहाँ पर पेस्ट बनाकर तैयार करूंगी। अगर आप चाहें तो इसे ग्रेट कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार सेंधा नमक इस्तेमाल करेंगे हम इसके लिए। एक टेबलस्पून नींबू का रस लिया है मैंने, और एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें। अगर काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप 3 से 4 काली मिर्ची लीजिए और उसका पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर 1/4 टीस्पून है ये। और इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना पैन गैस पर रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। अब हम इसमें ये 1/2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर भी रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं। और अगर आप उपवास में जीरा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप 1/2 टीस्पून जीरा डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से गर्म होने देंगे सबसे पहले। ये देखिए, घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा चलाते हुए फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखें यहाँ पर। इसे थोड़ा सा फ्राई करते हुए सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। तुरंत हम ये टमाटर डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ। मिक्स कर दीजिए इसे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से पक सके। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम पैन को कवर कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ये काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ये ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड कर दें, इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें ये नींबू का रस डाल दें और गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए।
साथ ही इसमें मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक और ऐड करूंगी। फ्रेंड्स आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं नमक। तो टोटल मैंने यहाँ पर स्टफिंग के अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे तब तक चलाते हुए भूनते रहना है तब तक कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सूख जाए और हमारी स्टफिंग जो है वो थोड़ा टाइट बनकर रेडी हो, थिक बन जाए। अब इसमें ये धनिया पत्ती डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो तब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होगी तब तक हम अपना डो बनाकर रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है और बाउल के अंदर हम ये आटा डाल देंगे। फ्रेंड्स इसमें से मैंने थोड़ा आटा सूखा अलग से रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सूखा आटा अलग से रख लिया है। और हम इसमें ये ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों से मैश करना होगा। मैंने अपने हाथों को अच्छे से धो लिया है। व्रत का खाना बनाए या कैसा भी खाना बनाए तो अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें जरूरत लगे तो आप इसे भूनने के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके आलू के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आलू में अच्छा मॉइस्चर है तो इतना आटे के लिए आपको इतना आलू काफी है। मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं हुई है लेकिन आपको जरूरत हो तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे मसलते हुए थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने अपने हाथों को क्लीन कर लिया है और हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर घी से ग्रीस कर लीजिए और इसके बाद हम इस आटे को मसलते हुए थोड़ा सॉफ्ट बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से पाम से अपने पाम का इस्तेमाल कीजिए इसके लिए, हथेली का। इस तरीके से इसे सॉफ्ट बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने डो को मसल कर बिल्कुल सॉफ्ट बना लिया है। और अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो आप डो में भी थोड़ा नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि हम कम नमक इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इधर हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे ताकि इसे कचौड़ी के अंदर स्टफ करने में आसानी हो। इस तरीके से लेमन की साइज के आप बॉल्स बना लीजिए। ये देखिए इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है और इधर हमारा डो भी बिल्कुल तैयार है। तो अब चलते हैं कचौड़ियां बनाने के लिए। तो कचौड़ियां बनाने के लिए हम इसमें से लेमन साइज ही बॉल्स लेंगे। इस तरीके से इसे इस तरीके से राउंड घुमाते हुए ऐसे प्रेस कर दीजिए और थोड़ा सा सूखे आटे के अंदर डीप करिए। अब एक रोलर पैन की हेल्प से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। अगर आप हाथों रोलर पैन से बनाना चाहें तो मैं आपको एक रोलर पैन से भी बनाकर दिखाना चाहूंगी या फिर हाथों से भी मैं आपको बनाकर दिखाना चाहूंगी। अब इसके अंदर एक बॉल्स रखेंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे ऐसे। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से गोल किए गोल करेंगे और इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे। ये देखिए तो ये देखिए यहां पर मैं दूसरी कचौड़ी आपको हाथों से बनाकर दिखाऊंगी। इसे इस तरीके से राउंड घुमाते हुए आटे में डीप कीजिए और इसको यहां पर ऐसे रखिए हाथों के बीच और ऐसे घुमाते हुए इसे गोल कर लीजिए। फ्रेंड्स आप इस डो को बिल्कुल भी रेस्ट ना दें। अगर आप इसे रेस्ट देंगे तो आपकी कचौड़ियां टूट जाएंगी, वो आप आसानी से नहीं बना पाएंगे। ये देखिए अब हम इसके बीच एक बॉल्स रखेंगे और इसे भी इसी तरीके से बंद कर देंगे। ये देखिए अब इसे भी इसी तरीके से ये देखिए इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियां बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो ये मैंने सभी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर अपना पैन गैस पर रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। अब हम इसमें ये 250 ml घी डाल दूंगी मैं इसमें। फ्रेंड्स, घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा डो डालकर इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका डो तुरंत फूलकर ऊपर आ जाए तो आप कचौड़िया इसमें डालिए, अगर धीरे धीरे से ऊपर आए तो तब आप कचौड़िया इसमें ना डालें। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें कचौड़िया डाल दूंगी। आप कुट्टू की कचौड़िया बनाते हैं या पराठे बनाते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपका डो जो है वो पतला नहीं होना चाहिए, अच्छा टाइट डो होना चाहिए, और एक आप उसे बिल्कुल भी रेस्ट ना दें तो आपकी कचौड़िया या पराठे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब हमने गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखा हुआ है और इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कचौड़िया एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे उलट लेंगे। अगर आप गैस का फ्लेम स्लो रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा घी या तेल जिसमें भी आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अपने अंदर सोक कर लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखा हुआ है और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए कचौड़िया हमारी हल्की गोल्डन हो चुकी है, तो अब हम इन्हें किचन पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। आप इस तरीके से इसे निकालते हुए कुछ देर कढ़ाई के किनारे पर रोकिए ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल या घी जो भी है वो वापसी कढ़ाई में चला जाए, और इसे निकालते समय गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए। अब इसी तरीके से हम बाकी की कचौड़ियां भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे एक टाइप के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। पनीर की कचौड़ियां हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं, चाहे तो चाय के साथ या फिर चटनी के साथ। तो चलते हैं दूसरी टाइप की हमारी रेसिपी के लिए। अब बारी है हमारी बहुत ही क्रिस्पी आलू टिक्की की। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी सामग्रियां नोट कर लीजिए कि आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं उबले हुए, मैंने इनको बॉईल कर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर रोस्टेड जीरे का पाउडर लिया है। मैंने जीरे को हल्का सा रोस्ट किया है पैन में डालकर, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा दूर-दूरा सा पीस लिया है। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, या आप ज्यादा चटपटा या ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे आप चाहें तो इसका पेस्ट बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट कर सकते हैं। स्वाद अनुसार सेंधा नमक और 2 टेबलस्पून देसी घी। फ्रेंड्स, अगर आप उपवास में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आवश्यकता अनुसार हम यहाँ पर रोस्टेड पीनट्स का पाउडर लेंगे। यहाँ पर आपके पास अगर रोस्टेड पीनट्स हैं तो आप उसे इसी तरीके से बस मिक्सी के जार में डालिए और ग्राइंड कर लीजिए, और अगर रोस्ट की हुई नहीं है तो आप उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप उसका पाउडर बना लीजिए। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है, बाउल में हम ये उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश कर लीजिए आलू को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, तो अब हम इसमें ये बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही जो ये अदरक का टुकड़ा हमने लिया है इसे हम ग्रेट करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ मोटे वाली छन्नी से आप इसको ग्रेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बारीक वाले से इसे ग्रेट करूंगी ताकि इसके मोटे लम्स ना रहे। अब इसमें ये जीरा पाउडर डाल दें और स्वाद अनुसार सेंधा नमक, मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून यूज करूंगी इसके लिए। और अब मैं यहाँ पर इसमें पीनट्स का पाउडर ऐड करूंगी। तो ये देखिए, जो नॉर्मल स्पून आप घर में यूज करते हैं, तो यहाँ पर पहले मैं 2 स्पून यहाँ पर ऐड करूंगी।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर जरूरत हुई तो हम बाद में मिक्स करेंगे बाकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 2 स्पून और ऐड करूंगी। तो ये मैंने 2 स्पून यहाँ पर मैंने पाउडर और डाल दिया है, ये भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके का डो बनाकर आप तैयार कर लीजिए। ये आपके आलू के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें कितना पाउडर डालने की जरूरत पड़ेगी, या फिर भी आपके आलू के अंदर अच्छे से मॉइस्चर नहीं आता है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सिंघाड़े का आटा ऐड कर सकते हैं। तो ये डो हमारा तैयार है, अब हम इससे आलू की टिक्कियां बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें धनिया पत्ती ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो सबसे पहले हम हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें से लेमन साइज की बोल लेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से गोल घुमाते हुए जिस भी शेप को आपको पसंद है जो भी उसी शेप में आप इसे, आप कटलेट्स भी बोल सकते हैं या आप इसे आलू की टिक्की बोल सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर इसे राउंड शेप में बनाऊंगी। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियां बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली है। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर अपना पैन गैस पर रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे हम। ये देखिए थोड़ा सा घी डाल दें इसमें और इसे अच्छे से फैला दीजिए। अब इसे अच्छे से गर्म होने दें। तो ये पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब एक एक करके टिक्की इसके अंदर रख दीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिए और इसे अच्छे से फ्राई होने दें और थोड़ा घी आप इसके ऊपर से लगा दें ताकि इसे उल्टे तो ये चिपके ना, बहुत ही आसानी से ये उल्टी जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, तो इसे उलट लीजिए और इसके चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा घी डाल दें ताकि ये नीचे से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टिक्कियां दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे किसी प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे और ठीक इसी तरीके से हम बाकी की टिक्कियां भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी एकदम गर्मा गर्म और बहुत ही क्रिस्पी ये स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं, टिक्कियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ज्यादा ऑयली ये नहीं है। तो चलते हैं हम दूसरी तरह की रेसिपीज की तरफ। तो अब बारी है हमारे बहुत ही क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज की जो कि फलाहारी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज का आलू लिया है जिसकी कि मैंने इस तरीके से 1/2 इंच के पीसेस कट कर लिए हैं। अब एक पैन लीजिए और पैन में इतना पानी आप डाल दें जितने में के ये आलू अच्छे से डीप हो जाए और गैस ऑन कर दीजिए। सबसे पहले हम पानी को अच्छे से बॉयल होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में बॉइलिंग शुरू हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर 1/3 छोटा चम्मच नमक ऐड करूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिला दीजिए इसे अच्छे से और दोबारा से पानी में बॉइलिंग आने दें। ये देखिए पानी हमारा अच्छे से खोल रहा है। तो अब हम इसमें ये कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद आप इसमें दोबारा से बॉइलिंग आने दें। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर दोबारा से बॉइलिंग शुरू हो गई है। तो अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पैन का ढक्कन कवर कर देंगे और इसको उबलने देंगे। तो 1.5 मिनट हो चुका है और 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पैन का ढक्कन कवर करके उबाल लिया है अच्छे से। अब हम आलू का पीस चेक करेंगे कि हमारे आलू जो है ये अच्छे से उबले हैं या नहीं उबले हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं उबालना, बस थोड़ा कि नमक इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरीके से दबाते हैं तो आलू का टुकड़ा जो है ये टूटना नहीं चाहिए, आलू का पीसेस।
तो बस अब हमारे आलू जो है ये अच्छे से उबल चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब मैंने यहाँ पर एक छन्नी ली है और छन्नी के अंदर हम इसको डाल देंगे। मैंने इसके नीचे दूसरा बर्तन लगाया हुआ है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है उस बर्तन के अंदर चला जाए, और अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट बाद हमारे आलू जो है वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। मैंने इनको एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सिंघाड़े का आटा डाल देंगे और 1 टीस्पून नींबू का रस डाल दें और 1 टीस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें, और यहाँ पर भी मैं 1/3 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। आप एक आलू का पीसीस चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें नमक डालिए, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। अब इन सभी को अच्छे से मिला लीजिए एक बार। ये देखिए मैंने आटे को और मसालों को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स अगर आप जीरा खाते हैं उपवास में तो आप इसके अंदर जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर पानी की जरूरत है तो आप थोड़ा पानी डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये आपके आलू की नमी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आलू के अंदर नमी है तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नमी नहीं है तो आप इसमें पानी डालने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे डीप फ्राई करेंगे, और डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर घी डालकर गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो ये घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसे चेक करने के लिए आप एक आलू का पीस डालकर इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और एक एक करके सारे फ्रेंच फ्राइज को इस तरीके से डाल दीजिए। अब इसको इस तरीके से हिलाते हुए ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। देखिए आप देख सकते हैं कि आलू थोड़ा सा फ्राई हुआ है। तो अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा एकदम तुरंत इसे गोल्डन ब्राउन ना करें। और ये बाकी के फ्रेंच फ्राइज को भी इसी तरीके से डाल दीजिए। अभी हमने उनको पूरा फ्राई नहीं किया है, उसको हम बाद में फ्राई करेंगे ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज जो है क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अगर आप एक बार में इसको फ्राई करते हैं तो ये इतने क्रिस्पी नहीं बनते। तो ठीक उसी तरीके से मैंने दूसरे फ्रेंच फ्राइज को भी फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा फ्राई मैंने इनको नहीं किया। अब फिर से इस सारे फ्रेंच फ्राइज को इसी तरीके से कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए और इन्हें फिर से थोड़ा कुरकुरे होने तक सेक लीजिए। इससे जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंड्स जिस भी टाइम आप इसको सर्व करते हैं तो उसी टाइम आप इसे चाहें तो उसी टाइम आप फ्राई कर सकते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी और तुरंत गर्मा गर्म ये फ्रेंची बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे मसाला फ्रेंची जो है ये अच्छे से क्रिस्पी बन गए हैं। बहुत ही अच्छा कलर भी इनके ऊपर आया है। तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे तीनों तरह के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।